नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, व्हाट एंड व्हाई? आखिरकार ये NIRF जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क कहते हैं, ये क्या है और इसे क्यों स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, इस पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्या कॉन्टेक्स्ट है, अभी हम NIRF पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, NIRF अभी न्यूज़ में क्यों है? तो देखिए, इसकी जो 6th एडिशन है ये हाल ही में लॉन्च की गई एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से, इसकी ये 6th एडिशन थी। तो NIRF क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पर देखा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को हम NIRF यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसे क्यों स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड क्यों किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ है हमारे कंट्री में इनकी भी रैंकिंग होनी चाहिए, जो कॉलेजेस है हमारे यहाँ पर इनकी भी रैंकिंग की जानी चाहिए, तो इसी पर चर्चा, इसी पर बातचीत इस वीडियो में आपके साथ हम करेंगे। तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ये एक तरीके का प्रयास है भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है इन्हें रैंकिंग दी जा सके। देखिए 2016 से इसकी स्टार्ट होती है, इसके पहले जो रैंकिंग दी जाती थी ये प्राइवेट एंटिटीज़ की ओर से दी जाती थी, इसमें स्पेशली न्यूज़ मैगजीन्स की भूमिका रहती थी। न्यूज़ मैगजीन हमारे देश के जो शिक्षण संस्थान हैं इन्हें रैंकिंग दिया करते थे। अब देखिए दोस्तों, एक तरीके से इनके द्वारा जो रैंकिंग दी जाती थी इसके जो प्रावधान थे ये अलग थे, अगर हम हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो, राइट, बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूशंस है या न्यूज़ मैगजीन्स है जो रैंकिंग देने का काम करती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ये एक तरीके से फॉरेन कंट्रीज से बिलोंग करती है। अब जब 2016 में NIRF को स्टार्ट किया गया तो ये कंपलसरी नहीं था सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एक तरीके से ये वॉलंटरी था। बट 2018 में गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इनके लिए इसे कंपलसरी कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, इस साल अगर बात करें तो 6000 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया था, ये संख्या 2016 की जो संख्या थी इसके दोगुना है। अब यहाँ पर जो रैंकिंग दी जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये किस आधार पे दी जाती है, इसके पैरामीटर्स क्या है, तो यहाँ पर 5 पैरामीटर्स की बात की जा रही है। ये 5 पैरामीटर कुछ इस तरह से है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच, इंक्लूसिविटी, परसेप्शंस। तो दोस्तों, इन 5 पैरामीटर्स के आधार पर ये इंस्टीट्यूशन रैंकिंग देता है हमारे शिक्षण संस्थान को, राइट। अब ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 कैटेगरीज है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च, ये यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई है। इन कैटेगरीज में यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, या यू कहे कि इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, राइट। अब ऐसे फ्रेमवर्क की या ऐसे इंस्टीट्यूशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक तरह से रैंकिंग दे सके? व्हाई डिड द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे मेन रीज़न हमें दिखाई देता है ग्लोबल रैंकिंग। जो ग्लोबल रैंकिंग दी जाती थी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या न्यूज़ मैगजीन्स के द्वारा, जैसे कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में जो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ है इनकी जो रैंकिंग आती थी ये एक तरीके से चिंता की बात थी।
तो पार्लियामेंट में 2015 में जब विंटर सेशन चल रहा था तो उस समय जो एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था कि जो हमारी पुअर परफॉर्मेंसेस दिख रही है ग्लोबल रैंकिंग में, तो ये एक तरीके से उनकी जो मेथडोलॉजी है या जो उनकी टेक्निक है जिसके आधार पर वो रैंकिंग देते हैं, जो उनके पैरामीटर्स है, वो हमारे यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो, राइट। तो उनका जो क्राइटेरिया है ये अलग है और उस क्राइटेरिया के आधार पर हम हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके से रैंकिंग देते हैं या उनके द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है उस रैंकिंग को कंसिडर करते हैं, ये सही नहीं है, राइट। तो ये बातें पार्लियामेंट में भी हो चुकी थी 2015 में। तो देखिए, इसे ही काउंटर करने के लिए चाइना ने जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसी रास्ते पर इंडिया भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर सेम प्रॉब्लम चाइना में थी दोस्तों, चाइना ने किस तरीके से इसे टैकल किया था 2003 में, तकरीबन आज से 20 साल पहले की ये बात है, 20-19 साल पहले की ये बात है, जब चाइना ने अपना एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, राइट। और ये शंघाई रैंकिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शंघाई जो टोंग यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से इस रैंकिंग की स्टार्ट होती है, राइट, 2003 में। अब देखिए, 9 चाइनीज़ यूनिवर्सिटी और 3 भारतीय यूनिवर्सिटी थी जब इसकी पहली रैंकिंग घोषित की गई थी 2003 में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात अलग है, जो शंघाई रैंकिंग है और जो NIRF की रैंकिंग है, इनमें शंघाई रैंकिंग एक तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर करती है, बट जो NIRF है ये एक तरीके से जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस है इनको कवर करता है। और देखिए, NIRF की शुरुआत ही इसलिए हुई थी बिकॉज जो फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से रैंकिंग दी जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो उनके जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स पूरी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस पर सही से नहीं बैठते हैं, राइट। जिस आधार पे जो इन्फॉर्मेशन सामने आनी चाहिए या सही रैंकिंग दी जानी चाहिए, सही जो मापदंड होते हैं, इस पर हमारे इंस्टीट्यूशन खरे नहीं उतर पाते हैं उनके, बिकॉज हर जगह पर सिचुएशन अलग है, उस हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने भी जब अपनी एजुकेशन अपनी रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट की तो यहाँ पर जो पैरामीटर रखे गए थे ये ऐसे पैरामीटर थे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सूटेबल हो, राइट। बिकॉज यही यहाँ पर मेन बात होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन के रैंकिंग देने के जो पैरामीटर होते हैं, ये एक तरह से सूटेबल नहीं होते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और ये रीज़न है जिस वजह से हमारे या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है इनकी रैंकिंग बहुत ख़राब हमें दिखाई देती है ग्लोबल रैंकिंग्स में या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग में। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पर NIRF की शुरुआत की गई। NIRF जो है दोस्तों, ये शंघाई रैंकिंग से अलग है बिकॉज शंघाई रैंकिंग की शुरुआत ही एक इंटरनेशनल कैरेक्टर के रूप में हुई थी, बिकॉज इसने फर्स्ट ईयर से ही, अपने फर्स्ट एडिशन से ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर करना स्टार्ट कर दिया था। बट इंडिया में जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूशन को ही कवर करता है। अब देखिए, आने वाले समय में क्या ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है इनको भी कवर करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तक तो ये सिर्फ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं है, मतलब ये अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर नहीं करता है, सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूशन को ही कवर करता है, वो भी जो हायर एजुकेशन में, जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, राइट। बट आने वाले समय पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसकी एक भूमिका रह सकती है वहाँ की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देने की, राइट। तो ऐसे सिग्नल या इस तरीके का इंडिकेशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आई होप आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ने हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF, इसे क्यों स्टार्ट किया था, राइट, और क्या इसके रीजंस थे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।